हम आपको गूंदना सिखाएंगे, आटा के आटा कैसे गूंदते हैं, है ना। पहले हमने इसमें पानी डाला है मामा, नीम गर्म पानी डालना है और उसके बाद देखो मिक्स कर लेना पानी में। अच्छा, और ये है बहुत क्विक तरीका, अम्मी बहुत अच्छा आटा गूंदती है तो मैं अम्मी की आटा गूंदने की जो वीडियो है वो सेव कर रही हूँ ताकि आप लोगों को भी आटा गूंदना आ जाए और मुझे भी। हमने इसको इस तरह बस मिक्स कर ही जाना है, फिर बस मिक्स करके आटा जो जितनी देर मिक्स नहीं होता उतनी देर उसको गूंदते रहते हैं और थोड़ा सा पानी डाल लेंगे जो अच्छी तरह मिक्स हो जाए। ओके, तो इसमें कितनी देर कितने मिनट्स लगेंगे? इसमें 2-3 मिनट आटा गूंदा रहता है। अच्छा, नीचे से भी है ना आटा पड़ा हुआ, वो इसको मिक्स करने के लिए ना ऐसे 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 कर देना, बस ज्यादा पानी नहीं डालना है ना, ये टिप है, ज्यादा इसमें पानी नहीं डालना, बस ऐसे गूंदते रहना। अब नीचे थोड़ा सा प्याज पड़ा है तो फिर पानी डाल देना। ठीक है, बस ये गूंदा गया तो ये बहुत ड्राई ड्राई नहीं है, थोड़ा सा और पानी डाल देना, बस ज्यादा मच मच नहीं करना गाँव वालों की तरह, है ना। आप देखती थी गाँव वाली औरतें बहुत मच मच करती हैं, बहुत ज्यादा गूंदती है, इतना नहीं ज्यादा गूंदना इसको, अच्छा बस थोड़ा सा ही करना, ठीक है, क्योंकि उल्टियां ना पड़े इसकी और नीचे से वो खुश काटा ना रहे, बस। और फिर कुछ देर के लिए इसको रख देना है तो बाद में खुद ही ठीक हो जाएगा, है ना। कुछ देर के लिए इसको ऐसे कर दो, बस हाथ धो के और आटा गूंदते हुए आपको सर पे दुपट्टा रखना है जैसे कि मेरी अम्मी ने रखा है ताकि आपके कोई बाल ना इसके अंदर चले जाए, है ना। और ये गूंदा गया स्पेशल आटा और ये मैं रोटी खाऊंगी इसकी तब जब अम्मी पहुंच जाएंगी एयरपोर्ट, और मैंने अम्मी से ज्यादा आटा गूंदवाया था कि मेरे 2 दिन चले, है ना मामा।